What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज का चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो पर हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है वो तो आपके लिए नॉर्मल सी बात है इम्पोर्टेंट होगी ही होगी। तो आज का चैप्टर है इलेक्शन। इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है हमारी कंट्री में, आप लोगों को इसकी सारी मशीनरी आज आप लोगों को जानने को मिलेगी। कौन कौन से यहाँ पर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराता है, कौन कौन से यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं वो सब जानने को मिलेगा, इलेक्शन क्या है ये जानने को मिलेगा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को आज जानने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो लेक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन कि इलेक्शन है क्या। देखिए अगर आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलती है, एक हम जब डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो दो तरीके डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर क्या होता है जो सिस्टम होता है उसके साथ में डायरेक्ट पूरी जनता कनेक्ट रहती है, ठीक है। दूसरी बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, वहां पर हम अपने द्वारा चुने गए नुमाइंदों को वहां पर भेजते हैं पार्लियामेंट में, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जिसको राज्य विधायिका भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से संसद में और राज्य विधायिका में, पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में हम अपने द्वारा चुने गए नुमाइंदों को वहां पर भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ में जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं अपनी कंट्री में करना, हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस होना चाहिए, वो वहां पर हमारे लिए सब कुछ बोलते हैं। अब हम उनको भेजते तो हैं, अब उनको भेजते कैसे हैं, तो भेजने का जो प्रोसेस है वहां पर उसको बोलते हैं इलेक्शन। तो ये टर्म जो यूज होती है ये इस तरीके से होती है, मतलब हम तो अपने द्वारा चुने गए नुमाइंदों को पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं अपनी बात को रखने के लिए, इसको कहते हैं यहाँ पर इलेक्शन। तो इलेक्शन के थ्रू हम उनको चुनकर वहां पर भेजते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन वर्ड आप लोग यहीं पर यूज कर सकते हैं, ये आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर एक लेवल पर इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे सेंटर पे अलग होते हैं, स्टेट पे अलग होते हैं। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज या फिर आप लोग पंचायत के इलेक्शन नीचे लेवल पर देखते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्शन का लेवल है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तीन लेवल पर नॉर्मली हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं जो कि एक लार्ज स्केल पर होते हैं। और इलेक्शन को हमारी कंट्री में इलेक्शन की तरीके से नहीं, एक फेस्टिवल की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बिल्कुल इस तरीके से एंजॉय किया जाता है, मान लो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, और खासकर हमारी कंट्री में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बैकग्राउंड में क्या क्या चलता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो सब आप लोग जानते हैं। किस तरीके से आपके लोकल एरिया में भी, मान लीजिए प्रधान के भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा क्या क्या चीजें वहां पर चलती है। तो फिलहाल जो फोकस आप लोगों का रहना है वो आप लोगों को देखना है नेशनल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन और लोकल इलेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, वो आती है इन दो के बारे में। देखिए ये जो इलेक्शन होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये इलेक्शन कराए जाते हैं हमारे यहां पर जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा, और जो ये वाले इलेक्शन कराए जाते हैं लोकल, लोकल में कौन आ जाता है, पंचायत आ जाता है और म्यूनसिपैलिटीज आ जाता है। ये वाले दोनों इलेक्शन आ जाते हैं यहाँ पर स्टेट के अंडर में, मतलब स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो यहाँ पर इलेक्शन को देखकर चलता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पर, इसके बाद में आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इलेक्शन के टॉपिक से रिलेटेड। अब थोड़ा यहां पर देख लेते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने रखा कहां है। देखिए नॉर्मली आप लोगों को एक लेक्चर कंप्लीट मिल जाएगा इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, वहां पर मैंने कंप्लीट आप लोगों को समझाया इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या इनका टेन्यूर होता है, क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन होती है, कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, पहले कितने इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, अब कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर है। पर लेकिन आज यहां पर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में नहीं, हम इलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहां पर जिक्र करेंगे, क्या मशीनरी होती है, किस तरीके से वो वर्क करती है, हम उसके ऊपर फोकस देंगे यहां पर। तो जिस किसी को भी ये वाला लेक्चर देखना है इलेक्शन से रिलेटेड, की इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानना है, वो सारे लेक्चर आप लोगों को नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो के जस्ट नीचे जाके आप लोग वो सारे लेक्चर देख सकते हैं, ओके। तो आज बात करते हैं पहले यहां पर इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात यह आती है कि यहां पर रखी कहां गया है इलेक्शन के बारे में प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को पार्ट 15 में आप लोगों को यह देखने को मिलेगा, पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यहां पर इलेक्शन के बारे में प्रोसेस यहां पर रखा गया है, ठीक है। तो ये पोजीशन आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर इलेक्शन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पूरा जो भी इलेक्ट्रोल सिस्टम है यहां पर सारी बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग से लेके किस तरीके से किसी बंदे को चुना जाता है और किस तरीके से यहां से चुनने के बाद में उसको एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो किस तरीके से उसको यहां पर पार्लियामेंट में भेजा जाता है, संसद में भेजा जाता है, और किस तरीके से इसे यहां पर राज्य विधायिका में भेजा जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसके अंदर में, इलेक्ट्रोल सिस्टम के अंदर में ये वाले आर्टिकल के तहत। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, आर्टिकल 324, जब मैंने आप लोगों को इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया था तो वहां पर इसको बताया भी गया था कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, इंडिपेंडेंट, इसको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब इलेक्शन कराने की बात आती है, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर पावर में है वो उसके हिसाब से काम करेगा, और पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर नहीं मिल पाएगा। मतलब मान लीजिए आज की डेट में
आप लोगों को किसी को इलेक्शन में उठना है, ठीक है, आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं, या तो एमपी के लड़ने हैं या फिर एमएलए के लड़ने हैं। तो मान लीजिए आप लोग तो अभी नए नए हो, इलेक्शन में उतर रहे हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर कोई पार्टी है पावर में, तो वो क्यों चाहेगी कि आप लोग पिक्चर में आकर उनके सामने खड़े हो जाए? तो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ढूंढेगा कि किसी न किसी तरीके से आप लोगों को पिक्चर में से आउट करना है। तो अगर वो इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, इलेक्शन का ऑफिस यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो देखिए कभी भी कोई भी नया इंसान या नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पिक्चर में देखने को नहीं मिलेगी। पर हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी कुकर मुत्ते की तरह उभर उभर कर आ रही है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, अभी जो हमने पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लेक्चर देखा था। दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी है और साथ आज की डेट में नेशनल पार्टी है और स्टेट पार्टी हम लोगों ने देखी थी 47 थी। तो वो सारी चीजें आप लोगों को क्यों देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट है और किसी को कोई भी किसी को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। आप लोगों का अगर अभी मन कर रहा है मेरा लेक्चर सुनने के बाद में कि अपनी पार्टी बनाने हैं तो आप लोग बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो इतनी इंडिपेंडेंसी यहाँ पर है। अगर आपकी एज हो चुकी है 25 साल, तो आप अब की बार अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो आप अपना पर्चा जाकर भर सकते हैं कि हाँ मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंसी आपको अपने देश में देखने को मिलती है रिलेटेड टू इलेक्शन। तो सारा प्रोसेस जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ पर ऑफिस है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारी चीजों को यहाँ पर देखता है, तो उसके द्वारा सारा सिस्टम यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। सुपरिंटेंडेंट करना, चीजों को देखना, डायरेक्शन देना और कंडक्ट कराना, ये तीन वर्ड भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। तो तीनों वर्ड याद रखिएगा, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये सारा काम करता है, सुपरिंटेंडेंट करता है, डायरेक्ट करता है और कंडक्ट कराता है इलेक्शन। अब इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ये क्वेश्चन तो 4-5 बार पूछा जा चुका है। आखिर जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन ऑफिस है, वो कौन कौन से यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराता है? बात कर रहे हैं सेंटर के बारे में, ना कि स्टेट के बारे में। तो माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो पहली बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की। तो संसद के जो इलेक्शन होते हैं वो इसी के द्वारा कराए जाते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है कि यार स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन है तो यार स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर ही कराता होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कराता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर ही कराता है। तीसरी बात आती है यहाँ पर प्रेसिडेंट की। देखिए प्रेसिडेंट का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो मैं ऑलरेडी प्रेसिडेंट के ऊपर भी लेक्चर ले चुका हूं, तो आप लोगों को देखिए प्रेसिडेंट का जब भी वर्ड यूज किया जाता है तो यहाँ पर ऑफिस लगा होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट कहने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट है, पर लेकिन यहाँ पर पूरा ऑफिस होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफिस के यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिस तरीके से यहाँ पर बात आती है जब भी काउंट करते हैं हम लोग कि पार्लियामेंट के अंडर में आता कौन है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पार्लियामेंट के अंडर में कौन आता है? लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और तीसरे नंबर पे होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एक ऑफिस की तरीके से ट्रीट किया जाता है, ना कि सिंगल पर्सन की तरीके से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कौन कराता है? यही कराता है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और नेक्स्ट हो गया यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इसी के द्वारा कराए जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग देख भी लीजिए यहाँ पर आज की डेट में, अगर देखेंगे आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके अंडर में दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो मतलब 3-member body है। पर लेकिन इसकी अगर आप लोग हिस्ट्री देखेंगे, जो मैंने आप लोगों को बोला है वो लेक्चर जरूर देखेगा, आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन के साथ साथ में वो लेक्चर का आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आप लोग कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से पहले सिंगल इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, फिर दो हो गए थे, फिर चल के आगे सिंगल होने लगे थे, पर लेकिन आज की डेट में आप लोगों को फिर से यहाँ पर बढ़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आप लोग देख सकते हैं, 2 नहीं सॉरी 3, ठीक है। तो फिर से क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था, उस टाइम पर भी हम लोगों ने देखा था कि देखिए पहले जो एज हुआ करती थी वो इलेक्शन की 21 हुआ करती थी, पर उस एज को हमने घटाकर 18 कर दिया था। जब 18 कर दिया तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इलेक्शन के दायरे में आ गई। जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इलेक्शन के दायरे में आ गई तो एक आदमी की तो बस की है नहीं अब चीजों को कंट्रोल करना। तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जो स्मॉल जो डिप्टी पोस्ट आप लोग बोल सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर की होती है, उसकी यहाँ पर सीट बढ़ा दी गई, ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं क्यों बढ़ाई गई। बाकी का आप लोग ज्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिनिमम कंडीशन क्या होती है अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराने हैं। तो सबसे पहली क्या है, सबसे पहली तो बात यही आ गई कि हर एक आदमी फ्री है यहाँ पर, एवरीवन किसी को भी यहाँ पर चूज कर सकता है, हर एक इंसान फ्री है। और फ्री होने का चूज करना तो दूसरी की बात है, आप लोग खुद भी इलेक्शन में यहाँ पर उठ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन रहता है चूज करने का, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये बंदे आप लोगों को दे दिए जाएंगे कि इन्हीं में से चूज करना है, आप लोग खुद भी जाकर खड़े हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ओपन है हमारी डेमोक्रेसी कंप्लीटली। रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन यहाँ पर होते हुए दिखते हैं, नॉर्मली आप लोगों को 5 साल पर इलेक्शन होने को दिखते हैं यहाँ पर, चाहे पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, चाहे बात कर लीजिए आप लोग स्टेट लेजिस्लेचर की या पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की, तो किसी की भी आप लोग बात कर सकते हैं, एक प्रॉपर इंटरवल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके।
नेक्स्ट बात क्या होती है यहाँ पर, नेक्स्ट बात ये निकल के आती है, मान लीजिए कैंडिडेट यहाँ पर 10-12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहां पर, तो 10-12 कैंडिडेट में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी यहाँ पर वही कैंडिडेट जीत जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ये कैंडिडेट है और यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो कैंडिडेट है इसको सबसे ज्यादा वोट मिल गई है यहाँ पर, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली है वही जीत जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 50% वोट होनी जरूरी है। अगर आप लोग दूसरी कंट्री में जाओगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कई सारी कंट्री, खासकर फ्रांस का एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ दिनों पहले अभी फ्रांस में इलेक्शन हुए तो क्या देखने को मिला वहां पर एक ये देखने को मिला, पहले सारे यहां पर कैंडिडेट रहते हैं, फिर उनमें से टॉप को चुन लेते हैं जो टॉप के कैंडिडेट रहते हैं, फिर उन टॉप के कैंडिडेट में दोनों के बीच में इलेक्शन कराया जाता है। अब उन दो में से जो किसके 50% से ज्यादा जिसको वोट मिलेगी, नॉर्मल सी बात है यार, अब दो कैंडिडेट रहेंगे तो किसी को तो 50% से ज्यादा वोट मिलेगी, तो फिर वो प्रेसिडेंट यहां पर बन जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है वहां पर हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, सबसे शानदार तरीका है, सब खड़े हो, जो भी रेस में होना है 100 आदमी खड़े होना है, 100 हो, जितने भी खड़े हो सकते हैं खड़े हो, क्या होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी, मान लीजिए पूरे एरिया में जो वोट है वो 100 वोट है और यहाँ पर कैंडिडेट भी खड़े हो गए, कितने लगभग 50 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो भले ही एक एक दो दो वोट मिले पर लेकिन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वही जीतेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर की जा रही है ये भी काफी शानदार है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिल रही है कि हम फ्री हैं, ठीक है ना। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाते हैं। पहले कुछ दिनों पहले आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता था इलेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती थी, बाहुबली टाइप के आदमी होते थे, बूथ को कैप्चर कर लेते थे वहां पर, या फिर कई बार वोट को इधर उधर उठा के फेंक दिया जाता था, ये कंडीशन हम लोगों को पास्ट में देखने को मिलती थी। पर लेकिन आज की डेट में जब से वोटिंग मशीन आई है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, और उसके साथ में VVPAT भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है, तो ये मशीन आप लोग पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके की मशीन यहाँ पर आज की डेट में यूज की जाती है। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा, अभी यहाँ पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन हुए, तो वहां पर VVPAT भी, मतलब VVPATA, ठीक है ना, ये क्या होती है, एक वेरीफाइबल मशीन होती है। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर किसी को वोट दिया, तो वोट देने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा कि किसको आपने वोट दिया, उसका सिंबल यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कोई आपकी वोट को नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकता है, आप लोगों जिसको वोट देंगे उसी को वोट पहुंचेगी। तो ये भी यहाँ पर सिस्टम यूज किया जा रहा है आज की डेट में। तो सीधा सीधा मतलब क्या है इसका, सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को अपने इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर बनाने हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। वरना पहले बैलेट पेपर यूज हुआ करता था, कोई इस तरीके का पेपर वहां पर हुआ करता था, उस पेपर में सिंबल बने होते थे और उसके सामने आप लोगों को यहाँ पर ठप्पा लगाना हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पर कई बार बूथ कैप्चरिंग करके अपने आप ठप्पे लगा दिए जाते थे, तो कई इस तरीके बाहुबली नेता देखने को मिला करते थे, पर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी काफी फायदा पहुंचा रही है हम लोगों को। भले ही आज की डेट में हमारी कंट्री में कई सारे रिलीजन, कई सारी कास्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को जो यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है उसमें कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रोल प्रोसेस में नहीं दिखती है। वो अलग बात है कि हम लोग अपनी कास्ट या अपने रिलीजन वाले को वोट डालने जाते हैं, वो हम इंडिपेंडेंट है, पर लेकिन इलेक्शन सिस्टम में आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा जैसा आप लोगों को देखने को मिलता था हिस्ट्री में आप लोगों को 1909 में, तो 1909 जो टाइम था उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला था, किसके बारे में, मोरले मिंटो रिफॉर्म के बारे में। देखिए मोरले मिंटो रिफॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो आप लोगों को जानने को मिलता था उस टाइम पर, यहां पर मुस्लिमों को अलग से इलेक्ट्रोल दिया गया था वहां पर, मतलब क्या होता था, यहां पर मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है कैंडिडेट पर्टिकुलर, और मुस्लिम ही वोट डालेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल एक तरीके से डिवाइड कर दिया गया कि ये पर्टिकुलर जो वोट है, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर मुस्लिम ही खड़ा होगा, ठीक है, और मुस्लिम ही वोट डालेंगे उसके लिए। तो इस तरीके की कंडीशन आज के डेट में हमारी कंट्री में नहीं देखने को मिलता है। एक जनरल इलेक्ट्रोल यहाँ पर तैयार किया जाता है, ओनली वन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि ये यहाँ पर मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यही वो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जिसकी वजह से आज की डेट में आप लोगों को दो कंट्री देखने को मिल रही है, एक साइड में इंडिया और एक साइड में पाकिस्तान। अगर ये बीज यहां पर ना बोए गए होते हुए तो आज की डेट में आप लोगों को ये कंट्री एक कंट्री दिखाई देती, पर लेकिन आज की डेट में ये एक कंट्री नहीं है। रीजन क्या है, रीजन यही है जो कॉम्युनल अवार्ड उस टाइम पर दिया गया था कि आने वाले टाइम में आप लोग हिंदू छोड़ेंगे नहीं इस कंट्री में, इसलिए आप अलग से अपनी कंट्री की मांग कीजिए यहां पर। तो वही जो बीज स्टार्टिंग में बोए गए थे 1909 में, वो बीज आगे चल के फल बन गया और वो फल आज की डेट में हमारे पड़ोस में खड़ा हुआ दिखता है पूरा पाकिस्तान। तो कहीं से कहीं बीज जो बोए गए वो यहीं पर बोए गए थे, तो आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री और ज्यादा डिवाइड ना हो जाए, और ज्यादा पार्टीशन ना देखने को मिलने लगे, इसलिए सिंगल जनरल इलेक्ट्रोल रोल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। कोई भी अलग यहां पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, चाहे कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट क्यों ना हो, यहां पर सिंगल ही आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलेगा।
और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ना तो कोई रिलीजन, ना कोई कास्ट, ना कोई सेक्स के बेस पर, ना किसी रीजन के बेस पर आप लोगों को यहाँ पर वोट के लिए या फिर मतलब इसमें इंक्लूड किया जाएगा। हर एक सिटीजन यहाँ पर आप लोगों को इसमें दिखेगा, जिसकी एज, जिसकी जो एज है यहाँ पर, अगर एज इतनी हो गई है तो 18 हो गई है या 18 से ज्यादा हो गई है तो वो आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर दिखेगा। ठीक है, तो हर एक सिटीजन के लिए यहाँ पर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर किसी भी कास्ट, रिलीजन के ऊपर या किसी की और रीजन के ऊपर यहाँ पर डिवाइड नहीं किया जाता है, चाहे बात हो स्टेट की चाहे बात हो यहाँ पर पार्लियामेंट की, तो दोनों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इससे रिलेटेड। अब जो आगे दो लाइनें बताना जा रहा हूं ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब बात आती है यहां पर पार्लियामेंट के इलेक्शन की या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन की, तो पावर यहां पर होती है पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट यहां पर उससे रिलेटेड रूल बना सकती है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट वगैरह कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो पावर होती है वो पार्लियामेंट के ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। पर लेकिन कुछ पावर यहां पर स्टेट के हाथ में भी इलेक्शन से रिलेटेड जो की आ जाती है, ग्राउंड लेवल पे जो आप लोग देख सकते हैं पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज की जब हम लोग बात करते हैं। पर लेकिन कुछ ऐसा जगह भी आप लोग बोलेंगे जहां पर मतलब ये मतलब एक बात आप लोगों को बोली जाएगी। यहां पर आप लोगों ने नॉर्मली रोड पे ट्रक चलते हुए देखे होंगे, तो जो ट्रक चलते हुए देखे उसमें कई बार आप लोगों को तीन तीन दो दो टायर देखने को मिलते हैं ट्रक में। ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि जो वहां एक्स्ट्रा टायर लगाए जाते हैं वो ट्रक को चला रहे हैं, नहीं, वो सप्लीमेंट का काम करते हैं। अगर मान लीजिए एक टायर काम नहीं कर रहा है तो आगे सप्लीमेंट का काम किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही काम यहां पर इलेक्शन, जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर है वो काम करता हुआ नजर आता है। यहां पर वो पावर जो है वो ओवरराइड नहीं करेगा, यहां पर मतलब जो पार्लियामेंट की पावर है इससे रिलेटेड उसको यहां पर ओवरराइड नहीं करेगा, वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है ना, तो जिस तरीके से आप लोग दूध पीते हैं, दूध में बोनविटा भी डाल लीजिए तो फायदेमंद हो जाता है। दूध तो पावर देगा ही देगा, बोनविटा और ज्यादा सप्लाई आप लोगों को देने लगेगा। प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मतलब चीजों को समझ सकते हैं। एक तो होता है कि मतलब उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। क्या किया हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने नीति आयोग को, नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सेंटर का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी जगह स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर आ गया है। यहां पर आप लोगों को बस ये देखने को मिल रहा है कि सेंटर का अपनी जगह है लेकिन स्टेट का उसको सप्लीमेंट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसको समझना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पास्ट में, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन किया जाता है आपके एरिया से या फिर किसी भी एरिया से दूसरे एरिया में, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। तो क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, यहाँ पर आप लोगों को अगर कैंडिडेट बनना है तो उस एरिया में जो आप लोगों को जो जिस भी एरिया में आप लोग रहते हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग रहते हैं, उस एरिया की इलेक्टोरल लिस्ट जो होती है उसमें आपका नाम होना चाहिए। और अगर उसमें आपका नाम है तो ये आप लोगों के लिए काफी है कि उसके बेस पर आप लोग इलेक्शन भी डाल सकते, इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं एज ए कैंडिडेट बनकर और वोटर बनकर वोट भी डाल सकते हैं। बट लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस जो नजर आएगा वो आएगा यहाँ पर एज में। वोटर के लिए आपकी एज जो है वो आज की डेट में 18 साल है, पर लेकिन जो कैंडिडेट के लिए एज है वो लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को लोकसभा की दिख रही है ये 25 साल है। कहने का मतलब ये है अगर आप लोगों की एज 25 साल है तो आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। गौर कीजिएगा थोड़ा फिर से क्या बोला है, अगर आप लोगों की एज 25 साल है आज की डेट में तो आप लोग उस कंडीशन में है कि एक देश को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो यहां तक की आप लोगों की संभावना है। क्यों है ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो आप लोग अगर ढंग से चाहो तो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो अगर आपकी एज 25 साल या 25 साल से ऊपर हो चुकी है। पर लेकिन ये राज्यसभा के लिए ट्रू नहीं है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आप लोगों की एज कितनी होनी चाहिए, वो 30 ईयर होनी चाहिए। तो ये एज की बातें भी कई बार पूछ ली जाती है, इस एज की बात को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, ये क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ओके, कुछ बातें और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कैंडिडेट के लिए जब खड़ा हो जाता है। वोटर के लिए ये बातें एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर आपको एज ए अगर कैंडिडेट के लिए खड़ा होना है तो कुछ आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करानी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। तो वहां पर वो चीजें क्या होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई केस चल रहा है किसी के खिलाफ, किसी ने कोई क्राइम कर दिया उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है और पेंडिंग पड़ा हुआ है वो केस, तो उसके बारे में डिटेल देनी पड़ती है। दूसरी बात क्या रहती है, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज बतानी पड़ती है, क्या क्या मेरे पास में और मेरी फैमिली के पास में, क्या क्या हमारे पास में एसेट्स हैं, क्या क्या हमारे पास में प्रॉपर्टी है, क्या क्या हमारी इनकम है, वो सारी डिटेल वहां पर देनी पड़ती है। आखिर क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं कि कल को मान लीजिए आज के डेट में किसी के पास में कोई अच्छी खासी इनकम नहीं है, कोई अच्छी खासी उसकी जो खुद की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा नहीं है, पता चला आज इलेक्शन हुआ और 5 साल के बाद में देख रहे हैं कि बंदा इंसान यार करोड़पति बन गया है, तो कम से कम इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके इस पे फोकस दिया जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए कैंडिडेट की भी और उसकी फैमिली के मेंबर जो रहते हैं उनकी भी इनकम पूछी जाती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होती है इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है ताकि बंदे का जाना जा सके कि क्या एजुकेशन है उसकी। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग फोकस यहाँ पर दे सकते हैं, कैंडिडेट की यहाँ पर क्वालिफिकेशन पता रहती है। और आप लोग भी अगर कहीं पर वोट डालने जाते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम ये
तीन चीजें आप भी देखें, ठीक है। तो एक साफ सुथरे कैंडिडेट को आप लोगों को पार्लियामेंट, संसद या फिर आप लोगों को जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो विधायिका होती है यहाँ पर स्टेट के लेवल पर, आप लोगों को वहां पर भेजना चाहिए। ये हम लोगों की ड्यूटी है और हम लोगों को कम से कम अपनी ड्यूटी फॉलो करके चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, ये भी आप लोग काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोल देते हैं। कई सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे सर जो भी पॉइंट को बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। देखिए यार, एक्चुअल में ये है, ठीक है, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट में, तो थोड़ा इसलिए भी मैं फोकस दे रहा हूँ, और जिस चीज पर मैं फोकस देता हूँ उस पर आपको भी फोकस फिर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मैं कैजुअल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो ये लगेगा कि पता नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट रहता है मैं थोड़ी सी वहां पर और एनर्जी डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोग और थोड़ा सीरियस हो जाए उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है डिलिमिटेशन की। देखिए ये होता क्या है, अगर बात करें यहाँ पर ऐसे होता है, मान लीजिए जैसे हमारी कंट्री में जो इलेक्शन हुए थे 1952 में, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे 1952 में, जो स्टेट की जो सीटें देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग स्टेट थे उस टाइम पर, उन स्टेट में अलग अलग सीटें थी, लोकसभा की भी कुछ और नंबर सीट हुआ करती थी अगर देखा जाए ढंग से। आज की डेट में वो सारी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो आज की डेट में स्टेट की आप लोग सीट देख सकते हैं, आने वाले टाइम में फिर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये सब पूरा मुद्दा होता है, इसके लिए कमीशन सेटअप किया जाता है और वो देखता है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है पॉपुलेशन के बेस पर उस एरिया में वहां पर सीट भी बढ़ा दी जाए, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन बनी रहे, ठीक है। तो ओवरबर्डन न पड़े कि पता चला एक ही बंदे के ऊपर इतने सारे, एक ही जो बंदे को चुन के बहुत सारी जनता भेज रही है, तो उसे ये निकल के बात आती है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी होती रहे, तो उन पर फोकस दिया जाता है। तो डीम लिमिटेशन काम करता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मेंबर यहां पर होने चाहिए, इसके अलावा कितनी यहां पर सीट अलॉट करनी है वो भी काम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बात क्या बोली जा रही है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी मैटर है ये मैटर कोर्ट पर नहीं जाएगा, कोर्ट पिक्चर में यहां पर नहीं आएगा। डी लिमिटेशन अगर कुछ डिसाइड कर रहे हैं यहां पर कि किस एरिया में कितनी सीट होनी चाहिए और किस एरिया में यहां पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है सीट एलोकेट करने में, वहां पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की किसी की बात करें यहां पर कोर्ट जो है वो पिक्चर में नहीं आएगा, ये बात बोली गई थी। इसके अलावा क्या बात बोली गई थी, देखिए अगर कोई इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होता था स्टार्टिंग में, तो ये बात बोली गई थी कि कभी भी यहां पर कोई भी कोर्ट पिक्चर में नहीं आएगा। पर लेकिन अगर अब यहां पे क्या देखने को मिलता है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके लिए अलग से यहां पर ट्रिब्यूनल टाइप की स्थापना की जाएगी, जिससे कि अपलेट जुडिशियल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए क्या होता है नॉर्मली आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा फोकस देकर चलिएगा, यहां पर क्या होता है एक्चुअल में, पहले तो बोला जाता था कि ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश किया जाएगा और ट्रिब्यूनल जो स्टेब्लिश करेगा अगले, मान लीजिए उसने कोई डिसीजन सुनाया तो वो डिसीजन सीधा उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की यहां पर मानहानी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाईकोर्ट को ओवरलैप किया जा रहा है। पर लेकिन यहां पर केस निकल के आया स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर चंद्रा कुमार केस 1997 में निकल के आया, यहां पर क्या बोला गया, अगर कोई मैटर पहले स्टार्टिंग में यहां पर है ट्रिब्यूनल में या किसी ऐसी अथॉरिटी में है और वो केस फिर कहां पर जाएगा, फिर हाईकोर्ट में जाएगा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मतलब क्या है, यहां पर कोर्ट को ओवरलैप नहीं किया जाएगा, यहां पर हाई कोर्ट से, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से सीधा मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए हाई कोर्ट को ओवरलैप करके। और बात निकल के किस कहां से आती है, ये आर्टिकल 323B से निकल के आती है। ये क्या निकल के आती है, अगर कोई मैटर इलेक्शन से रिलेटेड है तो उसके लिए अलग से कोई बॉडी होनी चाहिए जो कि इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट जो है उनका सेटलमेंट करे। अगर देखिए ये सारे मैटर भी कोर्ट में जाएंगे, वैसे ही कोर्ट हमारा इतना बर्डन रहता है, वैसे ही बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो उनका ऑलरेडी सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो इसलिए अगर कुछ सोल्यूशन निकालना है तो यहां पर इस बात को फोकस देकर चलना ही चलना पड़ेगा। तो ये यहां पर रहता है, इसीलिए पिक्चर में यहां पर ये सारी चीजें आती हैं। आज के लेक्चर को देखिए यहीं तक ही रख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा यहाँ पर डिटेल में सारी बातें समझाना स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को ये लेक्चर लगभग मुझे लग रहा है 40 मिनट के करीब का हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्शन मशीनरी और इसके बाद में पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है, ये दो पॉइंट बड़े बड़े पॉइंट है और बड़े बड़े प्रोसेस है। इसके लिए आप लोग एक बार फ्रेश माइंड से अगर लेक्चर को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो इलेक्शन मशीनरी यहाँ पर किस तरीके से वर्क करती है और पूरा प्रोसेस क्या है, ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। 40 मिनट का लगभग लेक्चर अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा लेंथी हो जाए लेक्चर हो जाएगा, अपलोड करने में फिर मुझे प्रॉब्लम आती है उसको, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को आसानी से चीजें देखने को मिलेगी और फ्रेश माइंड से देखने को मिलेगी और आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर भी आ सकते हैं इससे पहले। और देखिए जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं वो जरूर देखिएगा, आप लोगों को वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। फिर कल मिलते हैं आप लोगों को नए लेक्चर के साथ में, जिसमें आप लोगों को पूरा इलेक्शन मशीनरी और पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊंगा वहां पर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, देखिए अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और उसको फेसबुक वगैरह पे शेयर भी कर दिया कीजिए और एंजॉय कीजिए और साथ साथ में रिवीजन भी करते रहिए, पुराने लेक्चर बहुत हो चुके हैं उनका रिवीजन करते रहिए। अपने आसपास सफाई रखिए, मिलजुल कर रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, पानी को भी सेव कीजिए और पेड़ों को भी सेव कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।